ये भी ना खजाना गांव है ना यहाँ पे जिसको खजाना। ये भी है ना मुंडा बाजार पहुंच गए, ये थे मरगरे से 18 किलोमीटर के फासले। पचौड़ के ना गांव ये देख लेना, ये यहाँ पे ना घर इस तरह की होती मिट्टी के से उतरेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम कम है, आज मैंने लाहौर भी वापस जाना है। अच्छा ये ना मैं पहुंच गया हूँ ना हबीब के पास, उनके ना बेटे की शादी। अस्सलाम वालेकुम, आज एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जरा जा रहे हैं बाजौड़ खार, यहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अभी ना हम जा रहे मेन जीटी रोड से ना, यहाँ पे ना भी खजाना बाईपास आएगा, वहाँ से फिर ना गाड़ी मारी राइट साइड मुड़ जाएगी, फिर बाजौड़ वाले मुंडा वाले रोड पे ना फिर आगे जाके ना बाजौड़ इंशाल्लाह फिर जाते रोड पे। रोड का भी आप पता चल जाएगा किस तरह के रोड है, किस तरह की कंडीशन है रोड की, तो ये देख सकते हैं वगैरह। अच्छा भाई गाड़ी चला रहे बिना, ये अभी अपना गाड़ी हमारी मुड़ गई है ना बाईपास वाली साइड पे, जो आगे जाके ना मुंडा वाले रोड के साथ हम ये टच हो गई, ये रास्ता उधर जाके मिलेगा ये सड़क, ये बाईपास खजाना बाईपास इसको कहते हैं। पहले ये नहीं था ना, तो फिर तमरगरा जाके ना फिर उधर से आना पड़ता था बलम्बट वाली साइड से, तो काफ़ी लंबा पड़ता था ना, ये भी काफ़ी करीब है। तो ये पुल इधर ये पंचकोड़ा पे, ये भी ना खजाना गांव है ना यहाँ पे जिसको खजाना विलेज है ना, ये भी उधर से मुझे ये सामने ना खजाना हाई स्कूल है गवर्नमेंट का। तो ये आप देख सकते हैं ना सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ये मुंडा वाली सड़क ना खुली कुशादा भी है, सड़क भी बिल्कुल जबर कारपेटेड सड़क है। अच्छा भी ना यहाँ पे ना मौलाना अहमद साहब था यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना तबलीगी मरकज का ना, उसके साथ उसका ताल्लुक था, ज़्यादातर मरकज में होता था, वो आज फोत हुए तो उसका जनाजा था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी ना जा रहे, हमने भी आना था हम लेट हो गए थोड़ा सा, हमें जनाजे का टाइम का नहीं पता, बाद में अभी रास्ते में पता चला मगर वो लेट हो गए। ये अभी ना काफ़ी देर के बाद एक घंटा इंतज़ार के बाद ना अभी रास्ता खुल गया, क्योंकि वो जनाजा था ना वो काफ़ी मशहूर काफ़ी बुजुर्ग बंदा था, दीनी लिहाज से तकवादार परहेजार बंदा था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे उसके जनाजे के लिए, पूरा एक घंटा ट्रैफिक जाम रही, फिर रास्ता खुल गया, अभी हम चल पड़े बाजौड़ की तरफ। अब ये ट्रैफिक से निकल आए, जो ट्रैफिक जाम थी ना वो सही है, ऐसे हम निकल आए, अब हम ज़रा सुकून से जाएंगे बाजौड़ की तरफ। ये भी है ना मुंडा बाजार पहुंच गए, ये थे मरगरे से 18 किलोमीटर के फासले पे मुंडा बाजार, मगर अपना ट्रैफिक काफ़ी देर फंसे रहे एक घंटा, क्योंकि वो मौलाना साहब ना फोत हो गए तो उनका जनाजा काफ़ी पड़ा था, तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, ट्रैफिक जाम हो गए। अब जरा निकल आए ये मुंडा बाजार है। अभी ये जो ना एक चौक आ गया, बाई तरफ हम मुड़ेंगे ना, जो यूटर्न बस जा रही है ना इस तरफ हम मुड़ेंगे बाजौड़ की तरफ जाएंगे, ये सीधा फिर समरबाग वाली साइड पे रास्ता जाता है, मायर समरबाग वाली साइड पे, ये सामने जो है ये जो बस इधर जा रही है ना इस तरफ मुड़ रही है बस, ये इधर फिर वो बाजौड़ वाला एरिया,
ये अभी हमने बाजौड़ वाली साइड पे हमारी गाड़ी मुड़ गई है। ये अभी म्याकेला है ना, इसको म्याकेला कहते हैं, ये गांव है। जैसे हम गुजर रहे हैं यहाँ पे अभी चेक पोस्ट आएगा बाजौड़, तो वहाँ से फिर हम सीधा बाजौड़ स्टार्ट हो जाएगा सर। ये अभी ना बाजौड़ में एंटर हो गए, म्याकेला का चेक पोस्ट। ये कजाफी है, ये कजाफी कहते हैं इस इलाके। ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सरकारी पे आप तहसीलदार वगैरह बैठते हैं यहाँ पे सर। काफ़ी अरसे बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, 2-3 साल तो हो गए, 2-3 साल बाद मैं अभी बाजौड़ जा रहा हूँ। उनके काम कोई नहीं होता बाजौड़, इस वजह से फिर आज मैंने कहा चलो चलते थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। बाजौड़ का रोड भी आप देख लेना, काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है, मुंडा का बाजौड़ का कारपेटेड रोड है, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ना ट्रैफिक जाम रही मुंडा बाजार में, तो वहाँ पे जो फौजगी हुई थी ना, उधर फौज हुए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रही क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा रश था। ये अभी ना चार बाजार ना वहाँ पे पहुँच गए, चार बाजार बाजौड़ ना इसके पास ही है, सलाकी का नाम जा रहे हैं, चार सलाकी हम जा रहे हैं। थोड़ा सा फासला रह गया, अभी इतना नहीं है क्योंकि अभी ना सड़क अच्छी बनी हुई है, तो मेरे ख्याल में टोटल 40 किलोमीटर हो गए थे मरगढ़ से बाजौड़ पार। बाजौड़ के ना गांव ये देख लेना, ये यहाँ पे ना घर इस तरह के होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, आप देख सकते हैं ज़्यादातर ना घर मिट्टी के बने होते हैं, कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकान यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक चकनी मिट्टी ज़्यादा होती है, दूसरा ये ना ये ठंडा भी होता है, गर्म सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडे होते हैं ये घर। ये कार के तकरीबन हम पास पास पहुंच गए खार बाजार बाजौड़ जाए। अच्छा ये खार बाजार में ना मंटर हो रहे हैं, खार बाजौड़ बाजार, ये तभी खैर लगे ना, बाजार काफी बड़ा बाजार है इसका, इसलिए हम एंटर हो रहे सर। अब यहाँ से ना प्रॉपर जो ना खार बाजार बाजौड़ का खार बाजार से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हम पहुँच गए खार बाजार। अब हमने थोड़ा सा आगे जाना है वो सदीकाबाद फाटक की तरफ, क्योंकि उधर ना दोस्त है मेरा अभी, उसकी बेटे की शादी है, वो भी हमने अटेंड करनी है। ये भी ना आ गए, ये मार्केटें मुख्तलिफ है यहाँ पे ना काफ़ी सारी, हमने भी एक करना नहीं है कि हमने आगे जाना है, सर अपना गाड़ी से आपको ना वीडियो बना के सर शेयर करता हूँ। नीचे उतरेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि टाइम कम है, आज मैंने लाहौर भी वापस जाना है। ये भी एक चौक है ना जहाँ पे अड्डे वगैरह, तो साथ ये यहाँ पे ना सिविल अस्पताल भी है, तो
यहाँ पे दफ्तर कॉलोनी वगैरह भी है काफ़ी, वो यहाँ पे पीछे रह गया। अब हम ज़रा जा रहे हैं ननाथ के लिए ना पाटाकोली साइड पर, सदीकाबाद पाटाकोली साइड। तो ये अभी पाटाकोली साइड पर हमारी गाड़ी मुड़ गई, हम सीधे ही जाएंगे। ये रास्ता जो है ना ये अनाथ के लिए इतना हो गई, जब पाकिस्तान की पाटावली साइड पर ना उधर ये रास्ता जा रहा है उधर से। हम पहुंच गए ना सदी के बाद पाटक, या फिर फोन करते हैं सदी मक्की मोड़ जाना मोड़ सदी जाए मक्की मोड़। अभी ना आ गए ना जो दोस्त है ना हबीब खान, उसकी बेटी की शादी उस तरफ ही आ गया सदी के बाद पाटक से, थोड़ा सा आ गया कि ना उनका घर गाँव है उनका, अब उधर आ गया पहुँच गया। अच्छा ये ना मैं पहुंच गया हूँ ना हबीब के पास, उनकी ना बेटे की शादी है, ये जो आप देख रहे हो ना ये हबीब का बेटा है, उनकी शादी हो रही है, दोनों कज़न की शादी है। तो मैं स्पेशल इनके लिए आया था आज, इनके मैंने जाना है वापस लाहौर भी। ये आप देख सकते हो अभी यहाँ पे ना जिनकी शादी है, तो ये यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये पोजिशन है, ये लोग बैठे हुए यहाँ पे सारे। हमारे यहाँ पे ना ये रिवाज होता है, यहाँ पे लोग बैठते फिर एक एक नुक बना के ना फिर, ये अभी भी इनके बेटे की शादी है अभी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। ये हमारे यहाँ पे ना ये रिवाज होता है ना, ये आके ना एक एक टेबल पे ना लोग बैठते हैं फिर सबसे फिर वो सलामुअलैकुम मामा खै खैर दे खाना यहाँ पे एक एक टेबल पे ना चार चार बंदे बैठते हैं खाना, और हमारे ये रिवाज होता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे खाना खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह कहो यार जी। अभी ना सदीप का बाद पाटक ना यहाँ पे जो गांव है ना उधर हम आए हुए, हमारी वापसी है यहाँ पे। ये घर आप देख सकते हो ना यहाँ पे ना, इस तरह के बाजौर में ना ये मिट्टी के गारे के घर होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के घर होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह ही होते हैं। गाड़ी हमारे सामने खड़ी है वेट्स, अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे आए थे ना दावत के लिए, वलीमे की दावत थी हमें, तो मेरा वो अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया 1 बजे तक था, हम वापस जा रहे हैं। अच्छा अभी हम वापस जा रहे हैं घर, मौसम ये देख सकते हैं अपना, ये बारिश वाला मौसम हो गया, बादल आए हुए, तो ना करे बारिश हो जाए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये अब सदी के बाद पाटक से हम ना खार बाजार जो है ना उस तरफ जा रहे हैं। अब ये ना कॉलोनी वाली साइड से ना सेवल कॉलोनी जो है ना खार बाजार की, उधर से हम गुजर रहे हैं। वापस हमने खार बाजौड़ बाजार जो है ना उधर पहुंच गए। ये मेन बाजार है, हेडक्वार्टर भी है, ये इनका सबसे बड़ा बाजार है ना, यही अनाथ के लिए भी है, वो अनाथ के लिए फिर वो इससे बात दूसरा बड़ा बाजार ना हो गई भी है, मगर ये जिनके ना दारुल हेडक्वार्टर जो है ना जिसको रियासत कहते हैं, रियासत बाजौड़, ये वो एरिया है। अब हम वापस आ गए अपने गांव घर की तरफ, अभी जा रहे हैं वापस, आज शाम को मैंने इंशाल्लाह निकलना भी है, आज 23 जून है, मैंने वापस जाना है लाहौर। अब तो फिर हमने ना अपने पीर वाले दिन मंडे को हमने अड्डा खोलना है।